ये मैं मतलब आमतौर पे यही कहता होता हूँ कि सीए मजबूरी में ही होता है। शौक में बड़े कम लोग करते होंगे, बड़ा एक्सेप्शनल केस होगा, लेकिन वही लोग करते हैं यूजुअली मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स या फैमिली बैकग्राउंड होता है बच्चों का। जब आपने सीए एंटर कर लिया तो स्टूडेंट्स में क्या जहन में होता है कि यार अभी हमने सारा सीए एंटर कर लिया, अभी हमने फर्म में जाना है, जहां पे भी जाना है वहां पे इंटरव्यूज देने हैं और हमारा जो है ना ऑडिट फर्म में हो जाना है। तो आपने ये बताना है कि आपको आर्टिकल्स किस तरह से मिले, कौन सी फर्म में मिले और कहाँ कहाँ आपने अप्रोच किया, कैसे कैसे अप्रोच किया आपने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर हैदर अली ने। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रिसेंटली ही अटेम्प्ट में इन्होंने क्वालिफाई किया है, ना सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट भी है। और अभी तक इनका सीए में, अभी तो क्वालिफाई कर गए हैं माशाल्लाह, कोई भी फेलियर नहीं आया। तो आज हम इनको वेलकम करते हैं। हैदर अली, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम मेहता, बहुत शुक्रिया आपका। हैदर अली, सबसे तो पहले तो आप ये बताएं कि ये किस तरह गोल्ड मेडल अचीव करते हैं, किस तरह से कोई फेलियर नहीं आता। यहाँ पे तो स्टूडेंट कहते हैं कि हम पास नहीं होते, पहले ये ट्रिक बताएं, अपनी जर्नी शेयर करें जरा ये। बेसिकली मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी एफएससी प्री मेडिकल में। तो मतलब मैं भी उन स्टूडेंट्स में हूँ जिनका मेडिकल में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं हो पाता। उसके बाद वो ये मतलब सीए ज्वाइन करते हैं। मतलब हादसाती तौर पे आया था मैं सीए की फील्ड में, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और फाइनेंशियली इतने रिसोर्सेज थे नहीं कि मैं प्राइवेट किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूँ या चाइना या रशिया चला जाऊँ। ये एमबीबीएस के लिए हमारे मेरे एक उस्ताद मोहतरम है, बेसिकली मेरा होम टाउन फैसलाबाद है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे, वो भी मतलब एफएससी है अभी, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि आप सीए कर लें, क्योंकि मेरी एफएससी भी उन्हीं के कॉलेज से थी और वहाँ पे मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे एफएससी में। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप सीए ज्वाइन करें। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सर मैंने तो सुना है कि ये नहीं होता, इसके अलावा मुझे सीए का कुछ नहीं पता था, बस ये पता था कि ये नहीं होता। तो ठीक है। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ये तो होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमने भी तो किया हुआ है तो आप भी कर लोगे। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैंने कहा सर मेरे पास तो कोई रिसोर्स नहीं है, मेरे मतलब हाथ खाली हैं, तो अच्छा, मेरे पास फीस वगैरह या इधर उधर के एक्सपेंसेस करने का कोई मेरे पास है नहीं रिसोर्सेस, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उनको कहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई मसला नहीं है, आप ज्वाइन कर लो, तो हम कोशिश करेंगे कि आप आई कैप की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, तो वो हो जाए, तो आप अपने एक्सपेंस बियर कर लो, अगर नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मतलब इंसान कोशिश करता है, असबाब अल्लाह लगा देता है। सही। तो फिर ये हुआ कि मैंने सी इंटर फैसलाबाद से स्टार्ट किया, बल्कि मैं उन पर्सनैलिटी का नाम भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे इनिशियल टाइम पे, जब बहुत सारे बच्चों में उन्होंने मेरा हाथ थामा जब बिल्कुल पता बिल्कुल भी नहीं था जरूर। कुछ करना है, सीए कर भी लेना है कि नहीं कर लेना, क्योंकि फेलियर रेट तो सबके सामने ही है, कितने के बच्चे कर लेते हैं। तो उनका नाम है जुनेद सुबहानी, तो वो फैसलाबाद में उनका कॉलेज भी है, फॉर्म भी है और उसके वो पार्टनर भी हैं। तो इनिशियली उन्होंने मुझे बड़ा बूस्ट किया, मेरे मेंटोर भी हैं। बेसिकली ये जो प्लांट है उन्होंने ही लगाया था आप कह सकते हैं। तो फिर मैंने ये मतलब स्टार्ट किया शुरू में, तो काफ़ी मुश्किल लगा शुरू शुरू में, क्योंकि हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें तो क्योंकि बड़ा तंग करती है शुरू शुरू में। तो सही। उसके बाद फिर एक स्ट्रगल का दौर स्टार्ट हुआ, लेकिन ये था कि फिर मैंने आई कैप की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, तो मेरी आई कैप की तरफ से स्कॉलरशिप भी हो गई थी। तो ये हो गया कि जो फाइनेंशियल थोड़ा बैकलॉग था वो थोड़ा कम हो गया स्कॉलरशिप मिलने की वजह से, और फिर मैं थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस अपने खुद भी बियर करने लगा और कुछ वो मेरे उस्ताद मोहतरम करते थे। तो उसके बाद फिर सी एंटर मेरा लगे शुक्र है स्टेट अटेम्प्ट में हो गया था, और काफ़ी मसले आए, मतलब इंसान को मसले तो आते हैं, लेकिन ये मैं मतलब आमतौर पे यही कहता होता हूँ कि सीए मजबूरी में ही होता है। तो शौक में बड़े कम लोग करते होंगे, बड़ा एक्सेप्शनल केस होगा, लेकिन वही लोग करते हैं यूजुअली मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स या फैमिली बैकग्राउंड होता है बच्चों का, तो वो अफोर्ड नहीं कर रहे होते और महंगी पढ़ाई, तो फिर सीए में आ जाते हैं जो कि कंपैरेटिवली बहुत सस्ता है। अगर आप पाकिस्तान के बाहर परस्पेक्टिव में बात करो दोनों हिसाब से बहुत सस्ता है सीए, अगर आप स्टेट में करते जाओ। तो फिर मैंने सीए इंटर किया, तो उसके बाद मैंने काफ़ी फॉर्म्स में अप्लाई किया, मतलब सीवी ऐसे ही था कि सीवी बांटने वाला हिसाब था। हाँ, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, वो ये कि जब आपने सीए एंटर कर लिया, ठीक है,
स्टूडेंट्स में क्या जहन में होता है कि यार अभी हमने सारा सी एंटर कर लिया है, अभी हमने फर्म में जाना है, जहां पे भी जाना है वहां पे इंटरव्यूज देने हैं और हमारा जो है ना ऑडिट फर्म में हो जाना है। तो आपने ये बताना है कि आपको आर्टिकल्स किस तरह से मिले, कौन सी फर्म में मिले और कहाँ कहाँ आपने अप्रोच किया, कैसे कैसे अप्रोच किया आपने। बेसिकली लगता तो यही था, मतलब आज से 3.5 4 साल पहले सीए इंटर भी पहले अटेम्प्ट में करना बड़ा मुश्किल काम होता था, और तब भी ये हालात थे कि हमें लगता था कि यार हम 3 4 लोग ही हैं मतलब पूरे बैच में जिनका स्टेट अटेम्प्ट में हुआ है, तो हमें तो आर्टिकल्स आराम से मिल जाएंगे, मसला नहीं होगा कोई भी। लेकिन इसके बाद जो एक जर्नी स्टार्ट हुई उसने बिल्कुल डिमोरलाइज कर दिया। मतलब हम मार्केट में गए, एक जगह पे गए, दूसरी पे गए, कहीं पे तो इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आती, वो जहमत ही नहीं करते। ठीक है, कुछ लोग इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं लेकिन फिर वो रेफरेंस को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर कर करा के 2 माह ऐसे ही गुजर गए, मतलब नवंबर 16 को मैंने सीए एंटर किया था, उसके ठीक है, बाद नवंबर का एंड गुजरा, दिसंबर गुजरा, जनवरी आ गया, मतलब मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ, सीवीज दे रहा हूँ, इन एग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है कि सीए एंटर स्टेट में किया है जो मतलब सोचा हुआ था इनिशियली ये फौरन से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर जनवरी के मिड में जाके मेरा फिर मैंने क्लिक कर गई बात, तो इंटरव्यू मेरा अच्छा हो गया था डिलॉयट लाहौर ऑफिस से, राणा उस्मान साहब एंगेजमेंट पार्टनर में, तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया, एक दिया दो दो इंटरव्यू दिए, उसके बाद 10 12 दिन कॉल ही नहीं आई, तो मैं समझा कि बस ये भी अपॉर्चुनिटी गई, यहाँ से भी गई निकला। तो मतलब 5 जनवरी को हमने इंटरव्यू दिया था 2018 को, सही, और 16 जन को फिर मुझे कॉल आ गई कि आपकी परसों ज्वाइनिंग है। राइट। तो तब तासुरात बड़े खुशी वाले तासुरात थे, मतलब इतने चलो एक बिग फोर फॉर्म में हो गया मेरा। सही, लेकिन फिर उसके बाद एक और नई जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं कभी फैसलाबाद से बाहर नहीं गया था और ऐसे बाहर भी नहीं गया था, तो फिर लाहौर में जाके एज अ ट्रेनी रहना और एक्सपेंसिस को बियर करना ड्यूरिंग आर्टिकल, जो कि बड़ा हेक्टिक काम होता है, तो वो था मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज। तब स्टार्ट हुआ था जब मेरे आर्टिकल स्टार्ट हुए, मतलब फाइनेंशियली भी हाथ तंग था। ठीक है, लाहौर पहली दफा गया था मैं, तो हाँ बिल्कुल, हॉस्टल के एक चार्जेस हैं और फिर फी है, फिर ट्रेवलिंग है, तो ये बड़ा सरवाइव करना मुश्किल है। अगर देखा जाए तो अच्छे खासे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, स्टाइपेंड में तो नहीं गुजारा होता। स्टाइपेंड में तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता। फिर घर वालों को काफी तंग किया शुरू शुरू में, ठीक है, और लाहौर का इतना पता भी नहीं था, तो शुरू शुरू में वो मतलब मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ माय लाइफ वो था। और राइट उसके बाद लेकिन वो मोस्ट, अभी बैकवर्ड देखे ना, मतलब पीछे मुड़ के देखे, तो वो मोस्ट कंस्ट्रक्टिव भी वही फेज था मेरी जिंदगी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि वो वाली जो मेच्योरिटी है ना, वो आपको घर रह के नहीं आती, सही। वो अगर आप बाहर जाते हो, लोगों को फेस करते हो, अकेले रहते हो, सर्वाइव करते हो, तो वो मेच्योरिटी तभी आती है आप में। पहले आपका बचपन ही होता है एंटर के बिल्कुल लेवल पे, बिल्कुल सही है। अच्छा तो हैदर, बिल्कुल हैदर यहाँ पे ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा, वो जरूर पूछूंगा मैं आपसे, कि अब देखें ऑडियंस आप भी ये सुन ले जरा, कि सितंबर में एग्जाम हो रहे हैं, नवंबर में रिजल्ट आ रहा है और जनवरी के मिड में जाके इंडक्शन हो रही है, तो ये आपको इससे सबक लेना चाहिए कि जरा आपने रिलैक्स भी करना है और इस टाइम को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है और पैनिक बिल्कुल नहीं होना, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली आपको जाना तो पड़ता है, तो इधर आपने ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट किसी भी टाइम में, फॉर एग्जाम्पल मार्च में अपियर होता है या सेप्टेम्बर में अपियर होता है, एग्जाम हो गए, अभी उसने क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे दी, अपने लास्ट अटेम्प्ट दे दी या कुछ भी दे दिया, अभी वो कुछ फ्री है, तो क्या उसको जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रही है, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं चाहे फर्म हो इंडस्ट्री हो, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि क्या इसमें एबिलिटीज होनी चाहिए, तो अगर वो अपने चांसेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता है, ऑडिट के परस्पेक्टिव से देखें या टैक्स के परस्पेक्टिव से देखें, इवन हम ईआरपी या बाकी डिपार्टमेंट्स के परस्पेक्टिव से देखें, तो वो क्या अपने आप में कुछ स्किल्स टाइप कुछ डिवेल्प कर ले, कुछ अपनी हैबिट्स को ज्यादा बेहतर बना ले, तो इसको क्या आपने भी इसके ऊपर काम किया, तो ये बताइएगा जरा। अब मेरे ख्याल में मतलब जो टाइम उस टाइम के दरमियान गैप होता है ना, उसमें आपको सबसे पहले तो अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना चाहिए। उसमें दो तरह के स्किल्स हैं, एक तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बहुत मैटर करते हैं, इवन के क्वालिफिकेशन के बाद भी मैटर करते हैं, तो उस पॉइंट पे वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। लेकिन मतलब अगर आपका रेफरेंस नहीं भी है ना, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको एक्सप्रेस करना आ रहा है, ऑब्वियसली फर्म ने काम करवाना है, तो वो एक कॉम्पिटेंट रिसोर्स को हायर लाजमी करता है। इसके अलावा आपको अपने दूसरे स्किल्स जैसे एनालिटिक वगैरह पे काम करना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट,
इस पे मतलब समहाउ आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी जो सीए के स्टूडेंट्स होते हैं वो बैकवर्ड एरिया से होते हैं, तो उनको इस तरह की यूजेज ऑफ मशीन या कंप्यूटर लैपटॉप नहीं आ रहा होता है। राइट उसको चाहिए कि थोड़ा सा ना इससे आशनाई हासिल कर ले फॉर्म में जाने से पहले, अदरवाइज फिर फॉर्म वाले तो सिखा ही देते हैं लेकिन वो जी जरा मुख्तलिफ तरीके से सिखाते हैं, तो वो बड़ा बिल्कुल। एक फेज होता है बंदे के लिए हाँ तो अच्छा ऑडियंस यहाँ पे ना, हाँ कि अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ है, क्या वो आपके साथ भी हुआ है, और ये आपसे मैं जानना चाहूंगा वो ये बात, वो ये कि जब फॉर एग्जांपल कैब के बाद अगर बंदा ऐसे ही चला जाए ना, मतलब कि कुछ थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह पे काम ना करे, अपनी कुछ एक्सेल वगैरह पे हाथ वगैरह ना सीधा करे या वर्ड पावर पॉइंट वगैरह पे, और बंदा ऐसे ही फर्म में चला जाए, तो बंदे को पहले 7-8 माह लग जाते हैं खजल खुआर होते हुए वहां पे सीनियर्स के ताने, और तुम्हें काम नहीं आता, ये बात है वो बात है, तो क्या ये बात मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ ये सही? ये बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कर रहे हैं कि शुरू शुरू में बंदे को लगता है कि मैं किसी और दुनिया में आ गया, और बड़ी एम्बेरसमेंट होती है बंदे को शुरू शुरू में, और सीनियर्स मतलब जो 1 या 1.5 साल लगा चुका होता है उसको लग रहा होता है कि यार ये कोई काम ही नहीं है जो इसको नहीं आ रहा, सही तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं आपकी, जाहिर है आपको अगर टेक्निकल नॉलेज है और इस तरह की चीज़ों का नहीं पता तो फिर जाहिर है कि वो बंदे को फेस करनी पड़ती है, लेकिन टाइम लगता है, सीख तो बंदा जाता है लेकिन वो बड़ा एक मुश्किल फेज होता है जो इंसान को, बंदा मेंटली ब्रेक ब्रेकडाउन भी हो जाता है बंदे का, इमोशनल ब्रेकडाउन होता अच्छा हैदर, काइंडली ये बताइएगा कि ठीक है फर्म में इंडक्शन हो गई, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, अभी बात आती है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाने वाले हो, आप क्वालिफाई कर गए हो, मार्केट का आपको पता है, इंडस्ट्री का सबका आपको पता है, अगर हम एम्प्लॉयर को देखें तो क्या आर्टिकल स्टूडेंट को टैक्स भी है, ऑडिट भी है, एडवाइजरी भी है, ईआरपी भी है, इंटरनल ऑडिट, ये सब कुछ है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर वो फर्म को रिक्वेस्ट कर सके, तो उसको कौन से डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहिए, कि अगर जॉब के परस्पेक्टिव से देखें, बिजनेस के नहीं, जॉब के परस्पेक्टिव से, कि उसको आगे फायदा हो जॉब में, या अगर वो अपनी प्रैक्टिस बाद में करना चाहे तो वो भी कर ले। देखें इसमें ना दो चीज़ें हैं बेसिकली, अगर तो जो स्टूडेंट है उसकी प्रेफरेंस है कि मैं अब्रॉड भी मूव करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ साथ वो ये भी ऑप्शन रखना चाह रहा है कि मैं बाहर मूव करूँगा, वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से काफ़ी इनकम हो जाती है, तो अगर तो उसका ये पर्सपेक्टिव है कि मैं बाहर मूव करूँ तो फिर उसके लिए टैक्स सूटेबल नहीं, टैक्स मतलब जियोग्राफिकली स्पेसिफिक होता है, पाकिस्तान का डिफरेंट है, यूके में डिफरेंट होगा, तो वो टैक्स में अगर काम करना चाह रहा है तो काफ़ी स्कोप है टैक्स का और आगे ग्रोथ की वजह से बढ़ेगा भी एक, लेकिन अगर वो चाह रहा है कि मैं बाहर भी मूव करूँ, मेरे पास वो ऑप्शन भी खुला रहे, पाकिस्तान में भी मुझे उस तरह से स्कोप मिले, तो फिर उसको ऑडिट और एडवाइजरी या ईआरपी में उसको चाहिए कि वो उसमें मूव करे, ताकि उसके लिए वो जो जिस प्रैक्टिकल लिमिटेशन है ना वो उसके लिए खत्म हो जाए, तो बाहर मूव कर सकते आराम से। नहीं यहाँ पे अगर अगर हम देखें ना, तो बाज़ औक़ात फर्म्स ऐसी होती हैं, जिस तरह मेरे सारे आर्टिकल्स जो हैं वो ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके सिर्फ ऑडिट में या एक ही स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में हो जाते हैं, तो क्या फर्म को यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर काइंडली आप जो भी हमारा एचआर वाले डिपार्टमेंट वाले हैं, कि मुझे आप 1.5 साल के लिए किसी एक डिपार्टमेंट में रख दें, फिर मुझे मूव कर दें, ताकि मुझे दो डिपार्टमेंट्स का, दो जो फील्ड्स हैं उसका नॉलेज तो आ जाए प्रैक्टिकली। जी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन असल में आजकल स्टूडेंट्स का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है फर्म्स की निस्बत, तो अभी तो फर्म की ही चलती है कि फर्म किसी डिपार्टमेंट में आपको रखना चाह रही है, जिसमें उसको ज़रूरत होगी वो उसमें इंडक्ट कर लेगी, लेकिन ये है कि सब्सिक्वेंटली आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये हो जाता है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं आप अच्छा काम करके दिखाते हैं तो वो आपको रोटेट कर देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, तो आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए बेसिकली, आपको मेरे ख्याल में तो आपको 2 डिपार्टमेंट, 3.5 साल मोर देन इनफ टाइम होता है आपके लिए, तो आप 2 डिपार्टमेंट्स में अगर टाइम लगा लो तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय सही कि एक काम रिपीटेडली आप करते रहो तो उसका मतलब ऐसे मेरे ख्याल में इतना फायदा या प्रोडक्टिव नहीं है। सही। चलिए हैदर अली, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी जर्नी भी शेयर की और बताया कि कितने डिफिकल्ट पार्ट्स होते हैं, और मैनेज भी किया, आपके मेंटोर भी माशाल्लाह अल्लाह उनकी तौफीकात में और इजाफा करे, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, मेंटोरशिप आपकी की, और बाद में फिर आपने स्टेट अपने पेपर माशाल्लाह पास किए, और डिलॉयट राणा उस्मान साहब खुद देख पे जाते, खुद बड़े नफीस बंदे हैं, उन्होंने आपकी मेंटोरशिप की और वहां से अपने माशाल्लाह क्वालिफाई किया। हम आपको फ्यूचर में भी बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, कि अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां दें, और आप साथ सीएफए वगैरह भी साथ कर लें, तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें गाइड किया, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपसे जो है ना कॉन्टेक्ट करते रहेंगे गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच मेहता, बहुत शुक्रिया आपका।